स्वागत है आपका क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। यस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्साइटेड हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, अच्छा इतना तो समझ में आ गया कि स्पोर्ट्स यार फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स तो होंगे ही, और स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का क्या रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें से टॉपिक कौन सा हटा है। टॉपिक हटा है इसमें से फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स का जो टॉपिक था वो इसमें से रिमूव हो गया है। आपको बता दूं कि जो फूड सप्लीमेंट्स का टॉपिक था वो बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक था, लेकिन अब क्या करें, अब तो हट गया है इसमें से। चलिए बिना टाइम थोड़े स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली 2014 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि बैलेंस डाइट क्या है। अरे बैलेंस डाइट हमें पता नहीं क्या क्या है। बैलेंस डाइट न्यूट्रस डाइट को ही तो हम बोलते हैं। बैलेंस डाइट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रस डाइट। अच्छा इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भले ही वो मैक्रो हो या माइक्रो हो। मैक्रो माइक्रो ये क्या बोल दिया इसने। मैक्रो का मतलब है जो लार्ज प्रोपोर्शंस में बॉडी को चाहिए, और माइक्रो का मतलब है जो लो प्रोपोर्शंस में, लोअर प्रोपोर्शंस में बॉडी को चाहिए। तो फिर से बताता हूं, बैलेंस डाइट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रस डाइट। इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ब्रैकेट मैक्रो और माइक्रो बट इन करेक्ट प्रोपोर्शंस, करेक्ट प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई मॉडल क्वेश्चन पेपर 2015 का है कि क्यों वेट लिफ्टर्स की जो डाइट है उसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन होता है। ऐसा क्या रीजन है भाई साहब कि लॉट्स ऑफ प्रोटीन उनकी डाइट में होता है? यार सीधी सी बात है, हमें पता है ना प्रोटीन्स क्या होते हैं। अरे पता है ना प्रोटीन्स का मतलब क्या है। प्रोटीन्स का मतलब ये है कि वे हमें दो ही चीजें देते हैं, एक तो हमारी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करते हैं, और दूसरा हमारे जो टिश्यूज हैं वर्न आउट टिश्यूज उनको रिपेयर और रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। मतलब सीधी सी बात यही है, एक पॉइंट ही है, रिकवरी में हेल्प करती हैं बॉडी की, बस बात खत्म। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, एनर्जी तब प्रोवाइड करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स हम नहीं लेते, और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते जो फैट स्टोर होता है वो प्रोवाइड करता है, और जब उससे भी काम नहीं चलता तो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। समझ में? चलिए तो वेट लिफ्टर्स क्यों यूज करते हैं, क्लियर हो चुका है एकदम। प्रोटीन समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया कि क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने में, रिप्लेस करने में हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्रोटीन, इसलिए वे इसका यूज करते हैं। क्योंकि जब बॉडी बनती है तो बहुत सारे टिश्यूज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर वे फिर से रिपेयर होते हैं। सीबीएसई 2013 डायरेक्ट पूछ लिया फैट्स क्या है, व्हाट आर फैट्स। तो फैट्स है क्या? फैट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोले जा रहा है। फैट्स सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी के, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती, कार्बोहाइड्रेट्स की दोगुनी एनर्जी मिलती है फैट्स से। पर दिक्कत भाई साहब ये है कि ये जो फैट्स हैं वो समवॉट इनडाइजेस्टिबल होते हैं। मतलब ये है कि एक्सेस फैट जो है आपका बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे आप मोटापा बोलते हैं, बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए हम बोलते हैं कि ये 5-10% से ज्यादा डाइट के अंदर नहीं होने चाहिए। अदरवाइज 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है, 4-5 कैलोरी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि ये प्रोवाइड करता है 9 कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 कैलोरीज। ठीक है, तो ऐसे आप फैट्स को बता सकते हैं। ऑल इंडिया 2016 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, यार अभी तो बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें लोअर प्रोपोर्शंस में चाहिए। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। नो, कार्बोहाइड्रेट्स तो 60-70% चाहिए,
प्रोटीन्स नो, ये तो 15-20% चाहिए। फैट्स नो, ये भी 5-10% चाहिए। और इससे भी कम क्या चाहिए? विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब जो है इससे भी कम अमाउंट में चाहिए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आ जाते हैं। विटामिन्स ऑल इंडिया 2014, विटामिन्स क्या होते हैं डायरेक्ट पूछ लिया भाई। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स भी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही हैं कार्बन के। क्या कंटेन करते हैं ये? अमीनो एसिड्स कंटेन करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स शायद पढ़ा नहीं आपने अब तक। अमीनो एसिड्स कंटेन करते हैं मेरे भाई, NH2CO ग्रुप अमीनो एसिड्स कंटेन करते हैं। अच्छा, विटामिन्स बहुत ही एसेंशियल है। रटलोए लाइन, विटामिन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी एसेंशियल हैं। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वगैरह वगैरह। ये तीन चार लाइन छाप देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन के टाइप को मेंशन करूं मैं। विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, बी, हाँ जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं। डेली 2015 दो सोर्सेज बताइए कैल्शियम और आयरन के सेपरेटली। कैल्शियम और आयरन के दो सोर्सेज बताओ। यार दूध तो पीता हूं ना मैं, हाँ मम्मी को बोलूंगा। हाँ आ गया, दूध, मिल्क। कैल्शियम दूध से तो मिलता है। अच्छा यार मिल्क से एक प्रोडक्ट और बनता है, चीज। अरे यार खत्म हुई कहानी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है ना वे क्या है? कैल्शियम के सोर्स तो है। आयरन का सोर्स क्या हो जाएगा? अंडे, अंडे खाते हो नहीं खाते हो? संडे वे मंडे, रोज का अंडे, अंडे, एग्स और मीट, ये सोर्स है आयरन के, रिच सोर्स है आयरन के। ज्यादा मत खाना वरना डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाएगा। ये क्या बोल दिया इसने? हाँ, क्योंकि आयरन ज्यादा लोगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, ऑल इंडिया 2015 दो नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट्स डाइट के। अबे नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं, मैं तो भूल ही गया कौन से कंपोनेंट्स। अबे वे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, कैलोरीज नहीं बढ़ाते हमारी, उन्हें नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या एग्जांपल हो जाएंगे? अबे रफेज हो गया जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, वाटर हो गया, ये सब इसी के तो एग्जांपल्स हैं। अच्छा दो दो एग्जांपल्स और कर लो। जितने भी ये कलर कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं, ये भी एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। वैसे जनरली आप लिख सकते हो रफेज और वाटर लिख सकते हैं। अच्छा 2015 में ही आया था, क्रिटिकली एक्सप्लेन करिए द यूज ऑफ डायट्री। अरे वैसे खोल के बैठा हूँ, सामने किताब रखी हुई होगी तो जिससे इम्प्रेशन बढ़िया बने। अच्छा हाँ साइड में किताब भी रखी हुई है प्रीवियस ईयर बोर्ड की। क्रिटिकली एक्सप्लेन करिए यूज डायट्री सप्लीमेंट्स का इन हैवी डोज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, जस्टिफाई योर आंसर विद द टू सुटेबल एग्जाम्पल्स। इन्होंने बोला एक्सप्लेन करो यूज डायट्री सप्लीमेंट्स का। भूल जाओ डायट्री सप्लीमेंट्स तो गए हो। डायट्री सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट्स को ही तो बोलते हैं, और फूड सप्लीमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं यार। अरे कर लेते हैं, अरे कर लो। हाँ फूड सप्लीमेंट्स के हम मिसयूज देख लेते हैं, मिसयूज नहीं बोलेंगे, साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आयरन वाला, आयरन ज़्यादा लोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाएगा। विटामिन ए को ज़्यादा ले लोगे तो ब्लड विजन हो जाएगा, लीवर डैमेज हो सकता है, एटसेट्रा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डायट्री सप्लीमेंट हैवी डोज में नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अब मैं पेज पलट रहा हूं, आपको आवाज नहीं आनी चाहिए, ये पलट गया। 2012 अब तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए कितने मार्क्स के थे? 1 मैक क्वेश्चन थे, मैक मार्क क्वेश्चन थे। 3 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट आर फैट्स, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इट्स टाइप्स, ऑल्सो मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल दिया भाई। तो फैट्स क्या है सबसे पहले बताइए, बता चुका हूं फिर बताऊं, फिर बताऊं रटवा दूं। फैट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। नो, फैट्स हमें प्रोवाइड नहीं करते एनर्जी।
दे शुड बी 5-10% इन आर डाइट, उनकी कंपोजिशन बता दीजिए। फिर फैट्स के सोर्स बताओ। हाँ, फैट्स के सोर्स बताओ। फैट्स के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं मेरे फैट्स के सोर्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, क्रीम, चीज, बटर, ये सब किसके हैं, फैट्स के सोर्स हैं। अब टाइप्स, फैट्स के टाइप बताइए। तो दो तरीके के हमने टाइप्स पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। भैया सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लोगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर इसके बाद फैट्स का इंपॉर्टेंस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस फैट्स का नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ लिया लेकिन इंपॉर्टेंस फंक्शंस नहीं पढ़े थे। तो फैट्स के फंक्शंस कुछ तो आपको पता ही हैं, जैसे आपको ये पता है कि कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं। याद दिलाऊं क्या, ए डी ई के, ये हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी सी, अरे बी और सी, ये वाटर सोल्युबल है। तो सबसे पहला तो यही यूज हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में विटामिन्स के यूज करते हैं हम फैट्स का, हम क्या फैट्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, वार्म मतलब गर्म, गर्म रखने में हेल्प करते हैं हमें। तीसरा, देख तो लो एक बार, हाँ हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में हमारे हॉर्मोन्स की, हमारे हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो दो तो आपको पता ही थे, क्या पता थे भाई, कि फैट सोल्युबल विटामिन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, विटामिन ए डी के, ये भी आपको पता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कब, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में, मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी नहीं ले पा रही होगी तो वो फैट्स जो हैं आपके वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करेंगे और प्रोडक्शन में हॉर्मोन्स के हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बस इतने रह देते हैं, इतना तो इंटरनेट भी नहीं है मेरे पास। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।